सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर म्यूटेंट्स। आज मैं जाने वाला हूँ राइड पे और मैं चेक करूँगा कि एक लीटर में CBR 250 कितना चलता है। तो लुक हियर गाइस, पेट्रोल की टंकी खाली है। अभी इसमें हम डालेंगे एक लीटर पेट्रोल आपके सामने और देखते हैं कितनी एवरेज रहती है स्मूथ चला के। पहले भाई को दिखाओ इसको कि ब्लिंक वो हमारी। हाँ, पहले आपको लोग दिखाते हैं, ब्लिंक पूरा खाली है सारा कुछ। मीटर इसका ये देखो गाइस, पेट्रोल अभी खाली हो चुका है और इसमें डालने वाले हैं हम पेट्रोल। तो ये देखिए आपके सामने डलेगा, इसमें डालेंगे और हम इसके बाद करेंगे ट्रिप को माइलेज टेस्ट। ट्रिप को जीरो करना है। हाँ, वो नोटिफिकेशन का चल, ट्रिप को जीरो कर लिए, जीरो दिखा देंगे ना। वाह, एकदम से पट दे एक लीटर नहीं है ये 900 ml 950 रह गया है। नहीं यार, 10 ml बाहर आया, ये 990 ml की दिखाएंगे आपको। सॉरी भाई, एक लीटर की नहीं दिखा पाएंगे, 990 ml है। हाँ चलो, 10 ml का कुछ नहीं हो रहा है। ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगाओ सर, चलते हैं अब इसका राइड पे। ट्रिप को जीरो कर दे। हाँ ट्रिप जीरो कर देंगे यार, दिखा दे कैमरे में। हाँ सीधा करिए इसको, ये देखिए मोड पे टाइप करेंगे मोड पे तो ये आएगा, रीसेट को दबा के रखेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। बूम गाइस, ये जीरो हो गया, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो अब निकलेंगे हम राइड पे, थोड़ा अपना गियर्स वगैरह डाल लें और डिस्क पैड भी इसकी स्टील बॉडी की उसमार इसकी डिस्प्ले कोई काम नहीं कर रही है, हल्का सा मे बी आई थिंक इशू है, मे बी इसका कोई सील सुल लीक है, वो भी डलवाएंगे एजेंसी में जाके। और इसका एयर फिल्टर तो डलेगा ही डलेगा, ऑब्वियसली बात है, कैलिपर को साफ करवाएंगे हम। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको राइड पे। फोन बज गया पहले ही कुछ नहीं, फोन और भाई ग्लव्स डालने पे ये बड़ी दिक्कत होती है। ये देखो कंपनी वाले, ये जब होता है मतलब उसका तो मैंने ग्लव खोला इसके लिए और कंपनी का फोन दबाओ, कंपनी। ओ चलो चलते हैं, आज देखेंगे इसका ट्रिप हमने जीरो कर दिया है। आप देख सकते हो एक लीटर में कितना चलता है हमारा CBR। गेट लगाना पड़ा, माइलेज टेस्ट हो रहा है आपका, माइलेज टेस्ट हो रहा है भाई। लोगों को बताएंगे कि 250 की माइलेज क्या है, वो भी बिल्कुल हम इकोनॉमी में चलेंगे 40-50 और लो RPM पे चलेंगे। तो गाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ वीडियो को, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि इसको स्मूथ चलाने पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी एवरेज रहती है। तो गाइज यहाँ से हम मैथपुर से शुरू हो जाते हैं, बीच बीच में हिमाचल से, मैथपुर एक इलाका है ऊना डिस्ट्रिक्ट का। तो हम ऊना जाएंगे, एजेंसी जाएंगे, पहले इसकी जो कैलिपर है उसको फिक्स करेंगे। तो गाइज इसमें देखते हैं हम कि भाई एक लीटर में कितना चल सकता है। तो हम स्मूथली चले हुए हैं, अभी भी कोई बीच में रैश नहीं होती है। और ये जो दूसरी फ्रेम में मैं आ रहा हूँ गाइज, ये मुझे एयर फिल्टर डलवाना था तो मैं चला हुआ था, तो मैं इमरजेंसी के लिए बाई चांस का पेट्रोल ख़त्म होता है कहीं पे तो मैं इसको फिलअप कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो इमरजेंसी में चले हुए थे हम साथ जाएंगे तो आपको पता भी लग जाएगा गाइज कि आप ले अगर माइलेज टेस्ट करना हो तो एक अद्धे को साथ ले कर चले, क्योंकि बाई चांस से आपका पेट्रोल बीच में ख़त्म होता है, आपके जो गैस होता है उससे पहले आगे पीछे ख़त्म होता है तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो बाइक हमें पैदल भी ले जानी पड़ सकती थी। ये बहुत ही गलत है भाई, कभी भी ऐसे मत करो कि बिल्कुल रॉन्ग साइड से जाके ऐसे जाओगे, सामने से कुछ भी आ सकता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और कुछ सेकंड की बात होती है भाई जिंदगी ख़त्म भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। प्लीज़ ये सब ना ही करें, बस 2 मिनट का मज़ा आता है, बहुत गलत करता है, उसी के बारे में बता रहा हूँ भाई। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये 2 मिनट का
लोगों को दिखाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, सामने वाला भी मर सकता है, खुद भी मर सकते हो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि ये किस तरह स्प्लेंडर वाला आपस में गया है, तो रोड बिना इंडिकेटर के बिना आगे पीछे देख के स्पीड में क्रॉस करता है। तो गाइस आप भी ऐसा मत करें, बिल्कुल भी मत करें, रोड पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो स्टे सेफ। तो चलिए गाइस मैं आपको बता रहा था कि वीडियो हमने स्किप नहीं करी है, फास्ट फॉरवर्ड ज़रूर करिए ताकि आप बोर ना हो। तो फिर चलते हैं गाइस ऊना की तरफ। और यहाँ पे गाइस मैं देखो कैसे निकलता हूँ, क्योंकि मैं पिकअप टेस्ट दे रहा था, मैंने वीडियो डाली भी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और ये देखिए गाइस मैं किस तरह जाता हूँ यहाँ से। तो गाइज यहाँ ये बंदा दौड़ाता नहीं है क्योंकि माइलेज टेस्ट चला हुआ है, स्मूथली चलाना पड़ेगा गाइज। तो चलिए मैं यहाँ से वीडियो फिर थोड़ी सी फॉरवर्ड कर देता हूँ, और ताकि आप लोग फिर से बोर ना हो। गाइज थैंक यू, अभी तक आप साथ बने रहे हैं, एवरेज देखते रहे हैं। आप देखिएगा गाइज रोड बिल्कुल सटीक है, कोई भी हमने स्किप्ड पार्ट नहीं रखा है। और गाइज यहाँ से मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पर गाइज ये देखिए फास्ट फॉरवर्ड में ऑरा जाती हुई तेज पल्सर ओवरटेक लेता हुआ, और आप हमारी स्पीड देख सकते हैं 50-60 चली हुई है, मज़े करते हुए चले हुए हैं गाइज। ये देखिए मुझे भी स्लो चलना पड़ रहा है फ्रेम में। तो यही गाइज माइलेज टेस्ट के नुकसान लगे मुझे, कि आपको स्लो चलना पड़ता है, फुल थ्रॉटल नहीं दे सकते हैं। इसीलिए गाइज आप बोर ना हो, आपकी पूरी एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम कि मैं आपको बोर ना कर सकूं, और आप में होप मेरे से बोर भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गाइज बोर होना बहुत ही बेकार काम होता है। वीडियो बनाते हुए जितना हमें मज़ा आता है, मैं चाहता हूं कि आपको भी उतना ही मज़ा आए देखते हुए। और गाइज तेज तरार ऊना पहुंचते हुए हम फॉरवर्ड एक्स स्पीड में, और यहां जाके एमरजेंसी का काम करवाते हैं और किलोमीटर नोट करते हैं कितने किलोमीटर हुए हैं। और ऑलमोस्ट यहां हमारे को ऊना से महतपुर है वो हमारे को मेरे ख्याल 10-12-15 किलोमीटर पड़ जाता है। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम एजेंसी घुस जाते हैं। ये देखिए गाइज दूसरी साइड एजेंसी है, राइट साइड में, ये यहाँ जाएंगे हम घूमते हुए ओवरटेक करते हुए। बस एवरेज निकालना आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, NS से अच्छी एवरेज लगी मेरे को, NS, RS और KTM 250 से ऊपर एवरेज लगी गाइज इसको। तो वीडियो को एंड तक देखते हैं कितनी एवरेज निकलती है गाइज, आप गैस करके कमेंट में बता सकते हैं इस टाइम पे कि कितनी एवरेज निकलेगी CBR की। और गाइज बहुत ही उम्दा रिजल्ट, शॉकिंग रिजल्ट मिले हैं एवरेज के लिए। तो चलिए गाइज हम घुस जाते हैं एजेंसी की तरफ। सो ये देखो 15.5 किलोमीटर चल गया है, अभी देखते हैं 15.5। तो गाइज हमने यहाँ अंदर मोटरसाइकिल लगा दिया और ये काम शुरू हो गया है इसके कैलिपर का। अब देखते हैं गाइज क्या दिक्कत आती है। वैसे तो दिक्कत इसकी थी लीकेज की थी कि ऑयल कहाँ से लीक हो रहा है। तो चलिए गाइज देखते हैं क्या फॉल्ट आता है इसका। बाइक का काम करवाना है, अगर आपकी बाइक अच्छी है, स्पोर्ट सेगमेंट है, तो एजेंसी में ही आके एक बार देखिए, क्योंकि अगर आप बाहर से करवाओगे तो जो मैकेनिक होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं आपकी बाइक के ऊपर, जिससे कि नुकसान हो जाता है। अभी देखो जो मेरी डिस्क है फ्रंट वाली, उस पर ऑयल लगी जा रहा था खुद से ही, मैंने बहुत बार साफ भी करवाया और देखिए ब्लैक ब्लैक हो रहा है ये ऑयल। तो अभी बताया उन्होंने कि इसके अंदर रबर्स वगैरह फट गई है, क्योंकि बाहर मैकेनिक ने इसको पेट्रोल से धुल दिया था, तो शायद जो रबड़ कंपाउंड होता है उसको फ़र्क पड़ जाता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो फाइनली गाइज रबड़ इसकी डलवा दी थी हमने, लीकेज कंट्रोल हो गई थी, अब दोबारा निकल जाते हैं हम गाइज एवरेज टेस्ट करने। तो फाइनली बाइक का काम करवाया अभी, और मतलब अच्छी सर्विस है यार, बंदे बहुत ही कोऑपरेटिव बंदे हैं, भाई अच्छी सर्विस दी इन्होंने, और अच्छा था सारा कुछ, मैकेनिक भी अच्छे थे, स्टाफ भी अच्छा था, वेरी नाइस, बहुत ही मज़ा आया, मतलब ठीक था यार। और बंदों ने अच्छे से गाइड भी किया कि यार फालतू पैसे नहीं लगवाए हमारे इस साइड। अब देखिए हम जा रहे हैं अपने घर को वापस, 15.5 किलोमीटर वो चल पड़ा है, और घर भी अभी 15.5 किलोमीटर वापसी में है, मतलब 31 किलोमीटर वो हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारी बाइक भी अच्छी चल पड़ी थी, मैंने एयर फिल्टर भी चेंज करवा लिया था और अब हम चल पड़े हैं फिर से माइलेज टेस्ट के दौरान। और अब हम पहुँच चुके हैं गाइज महतपुर अपने घर के पास और यहाँ हमें अपना दोस्त मिलता है बुलेट पे जाता हुआ, आप देख सकते हैं आगे। और ये देखिए गाइज ये आता हुआ बुलेट पे, ये मुझे हॉर्न देता है कि भाई मुड़ जा पीछे से, और ये मैं आगे चल जाके घर जाके शर्ट बदल लेता हूँ तब तक जब तक इनकी आपस में बकवासबाजी चलती है। ये देखिए गाइज यहाँ से मुड़ा हॉर्न दिया मैं अंदर चला गया, ये आपस में लगे हैं कुछ ना कुछ बकवास करने। जिम के बहुत शौकीन हैं ये दोस्त हमारे, तो वो कहते हैं भाई जिम के लिए जोर लगाते हैं जाने को पर हम जाते नहीं हैं। ये देखिए गाइस बाइसेप्स देखिए इसकी, तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, ये लोग करते रहेंगे अपनी, तब तक हम अपना फ्रेश होके गाइस मैं आ जाता हूँ और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ और यहाँ से हम चल जाते हैं दोबारा गाइस एवरेज नोट करने के लिए। और यहाँ आके गाइस हमारी बाइक एक झटका देती है, उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि यार चलो क्या ही होगा, दोबारा इग्निशन ऑन कर देते हैं इसका हम। ये देखिए दोबारा बाइक ऑन करी हल्की सी, फिर दोबारा चलती है और गाइस पुल पे जाके बिल्कुल ही बंद हो जाती है। यहाँ देखिए यहाँ पर भाई अब खत्म हो गया तेल भाई, ये चला 38.4 यार, अच्छा चल गया, ठीक चल गया पर अभी 29 ही रख ले, 39 रख ले, अभी इसकी 38.4 हो गई है पर बहुत स्मूथ हमने राइड की, जैसे आपने देखा है कि 4 की आरपीएम से मैं ऊपर नहीं गया, उसके नीचे ही था और गियर शिफ्टिंग भी ठीक की, मतलब हमने पूरा ट्राई किया कि बढ़िया हो जाए। उतर के लगा ले आगे, ऐसे लगा ले फिर बोल दी, उतर के दिखा देते हैं भाई। तो बाइक हो चुकी है खाली, तो अब ये है इसकी ओरिजिनल एवरेज, ये मैं आपको दिखाता हूँ 38.4 था, मैंने थोड़ी सी बाइक आ गई है 38.5, 38.5 किलोमीटर पूरा चला है और बहुत ही हमने इकोनॉमी पे चलाया ना इसको, इकोनॉमी पे चलाया मतलब ठीक था, बहुत ही स्मूथली चलाया। हाइपर में मैंने की है पर हाइपर में हम फिर से करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हाइपर में ये कितना माइलेज दे देती है। तो ये थी 250 सीसी के हिसाब से, 250 सीसी के हिसाब से भाई ठीक है इसका, बहुत अच्छा था मतलब इट वाज नॉट बैड, ठीक था। तो अगर आप चलाओगे अच्छे से, आपके चलाने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये है इसका भाई CVR का और ये है CVR का भाई और ये है मेरा भाई और मैं हूँ इसका भाई, मैं तेरा भाई, टू 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 मेरा, ऐसे है। सो अभी हम इसमें पेट्रोल डालेंगे जो बाइक का एक्स्ट्रा निकला था ना भाई, डाल देता हूँ भाई। हाँ हाँ ठीक है, कैमरा बंद कर दे, कैमरा घुमा दे। हाँ हाँ ठीक है, सो गाइस ओके, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर, हाँ सब्सक्राइब शेयर तो जरूर करेंगे भाई, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा सपोर्ट आ रहा है तुम्हारा। सो ये है मेरी तरफ से आपको बाय बाय टाटा और ये भाई की तरफ से भी, और ये कर रहा है आपको राइड सेफ राइड हार्ड। मैं क्या कर रहा हूँ इनको, मैं ये तू हो गया भाई, मैं कर रहा हूँ इनको, क्या था ये केड़ा ग्लव्स था, अल्पाइन स्टार, और ये अल्पाइन स्टार की बाय बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके राइड सेफ राइड हार्ड।